बेटा तुम लोग कई बार पूछते हो तैयारी कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कैसे पढ़े, कितना घंटा इंग्लिश पढ़े, कब सिलेबस ख़त्म होगा और कैसे होगा, कैसे हम लोग तैयारी करें। आपके बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं, जानते हो। आपकी ये जो बार बार कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक पिता और पुत्र की। दोनों घने जंगल से जा रहे थे। रात इतनी गहरी थी, इतनी काली रात थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। बच्चा बहुत डरा हुआ था। उसने अपने पिताजी से पूछा कि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, हम लोग घर कैसे पहुंचेंगे। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुम बहुत दूर नहीं देख पा रहे हो क्योंकि रात बहुत अंधेरी है, बहुत काली है। एक काम करो, एक कदम तक तो दिख रहा है ना, बस सीधा सिर्फ देखो कि क्या जो कदम तुम रख रहे हो वो सही जगह पर रख रहे हो, क्या वहाँ कोई गड्ढा तो नहीं है, कोई वहाँ पत्थर तो नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इतना तो दिख रहा है कि मैं एक कदम सही रख सकता हूँ। उसने कहा बस ठीक है, बस उतना ही करो, बस एक एक कदम रखो और एक एक कदम सिर्फ तरीके से रखो, ऐसा कि आपको खाली अगला कदम भर दिख रहा है कि नहीं, बस उतना ही रखो। बच्चा उसी के अकॉर्डिंग रखता गया और एक एक कदम रखता हुआ वो धीरे धीरे घर पहुंच गया। याद रखना कि हम अपने जीवन में भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कितना एफर्ट लगेगा और कहीं हमारा ध्यान तो नहीं भटक रहा है। कई बार ऐसा होगा कि आप आगे बढ़ने के स्थान पर आपका ध्यान दूर दूर तक जाएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं सही नहीं कर रहे हैं, फिर आप रुक जाओगे। बेटा कुछ मत करो, सिर्फ अगला कदम रखो और फिर अगला कदम रखो, क्योंकि आदमी का दृष्टि इतना तो स्पष्ट जरूर होता है कि वो अगला कदम तक तो देख सकता है ना। याद रखिएगा, एक तरीका है कि आप बस वो चीज देखिए जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा, और वो चीज भी ध्यान रखना है आपको कि जो लक्ष्य पे जाने से आपको रोकेगा। दोनों चीज पर नजर रखिए, आपको बहुत निकट तक तो बहुत स्पष्ट नजर आएगा। आगे बढ़ने की कोशिश करिए, एक एक कदम करके आगे बढ़िए। ये फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि आपकी मंजिल कितनी दूर है, या आपका कदम कितना छोटा है, या आप सही से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। बस आप सिर्फ अगला कदम रखिए और फिर अगला कदम रखिए, और एक एक कदम आगे रखते जाइए, स्पष्ट होता जाएगा आपको रास्ता। और याद रखना, मंजिल कितनी दूर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कदम कितने छोटे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप बढ़ रहे हैं कि नहीं ये ध्यान रखिए। अगर आप वो कर पा रहे हैं तो आप जीवन में जरूर जरूर सफल होंगे। और इसीलिए जो आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, कैसे करें क्या करें, मेरा कहना है जैसे तैयारी करवा रहे हैं, बस एक एक कदम ही तो तैयारी करवा रही हूँ मैं, उस कदम को तो रखो। क्यों इतना परेशान हो रहे हो, हम क्या पढ़े और एक्स्ट्रा क्या करें। बेटा धीरे धीरे आपके का जो नज़रिया खुलता जाएगा कि हाँ हमने क्या आपको सिखाया और उससे रिलेटेड और क्या है जो पढ़ा जा सकता है। थोड़ा समय दो और एक एक कदम चलो। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर स्पष्ट नहीं देख पा रहे हो ना, सिर्फ एक एक कदम देखो, यही तरीका है जीवन में भी सफल होने का।